मुजफ्फरनगर जिले के जीआईसी मैदान में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियों और अन्य वाहनों से सम्मेलन में पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। ब्राह्मण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा के समेत कई जनप्रतिनिधि का भी माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। ब्राह्मण सम्मेलन के आयोजक राकेश शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फुट की प्रतिमा स्थापित कराने पर समाजवादी पार्टी का आभार प्रकट करने के लिए मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। वहीं राकेश शर्मा ने 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल रही है। उत्तर प्रदेश में रोजगार की इतनी बेकार व्यवस्था कभी नहीं रही। वहीं हमारा किसान एक साल से सड़क पर बैठा है। इनको किसानों से ना कोई मोहब्बत है और ना ही कोई हमदर्दी। ये बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इन किसानों के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। अगर कृषि कानून खत्म करने पड़े तो वो भी करेंगे और सरकार की ओर से किसानों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। आज जो ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था वो भगवान परशुराम की जो मूर्ति लखनऊ में 108 फीट की लगाई जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा, उसी की जो समिति बनाई गई है उसी समिति का आज स्वागत कार्यक्रम था। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, अभिषेक मिश्रा जी उसमें आए थे, संतोष पांडे जी को भी आना था, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी की डेथ होगी, इसलिए वो नहीं आए। 2022 का चुनाव पूरी तरह जो है नजदीक आ रहा है, क्या लगता है किस तरह जो है मौजूदा सरकार पर परिवर्तन करना चाहते हैं क्या? आप जाओ चौराहे पे पूछो, किसी भी दुकान पे पूछो, किसी खेत में जाके पूछो, किसी किसान से पूछो, हर आदमी परेशान है सरकार में बताने की। परिवर्तन तो निश्चित होगा। आपने देखा नहीं सारा आज पूरे मंडल का ब्राह्मण यहाँ मौजूद था और कितनी संख्या में निकल के लोग आए हैं। साल की जो है मौजूदा सरकार अपने लेखा जोखों का जो है रिपोर्ट बना के उसको जो है पूरी तरह लोगों को बता रही है कि हमने ये किया है वो किया है। विकास अखिलेश जी ने कम विकास कराया था इनसे, इन्होंने कुछ भी नहीं कराया है उसके मुकाबले। आज का जिले में पूरे प्रदेश में क्राइम नहीं है, सारी स्थिति आपसे और कुछ छिपानी है मैं आपको बता दूँ, थानों में रिपोर्ट लोगों की दर्ज नहीं होती, उसके बावजूद भी आंकड़े ज़्यादा हैं आज।